राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सावन मास के पहले शुक्रवार की शाम मैं आपको सुनाने जा रही हूँ लक्ष्मी स्तोत्र। सावन मास में भगवान शिव की पूजा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा का भी बहुत अधिक महत्व है। कहा जाता है कि जो बेल का पेड़ है वह लक्ष्मी माता का ही स्वरूप है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बेल पत्र भगवान शंकर पर चढ़ाने का कितना महत्व है। सो बंधुओं, इसी प्रकार सावन के महीने में यदि माँ लक्ष्मी जी की भी आराधना कर ली जाए तो माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में शुक्रवार की शाम महालक्ष्मी स्तोत्र को सुनने मात्र से आपकी हर इच्छा पूरी होगी। पूर्ण विश्वास, सच्चे दिल के साथ ही माँ लक्ष्मी के इस स्तोत्र को सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बंधुओं, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो महालक्ष्मी जी की जय हो। जय नारायण प्राण आधारा, जय महालक्ष्मी भरे भंडारा, श्री हरि प्रभु की प्रेरणा शारदा जीवा आई, जग के तारण करने सुंदर भाव हिलाई, गुरु देव प्रताप से लेखनी में किया वास, लक्ष्मी स्तोत्र को लिखने लगा है तेरा दास। प्रातः संध्या समय जो पढ़े मान विश्वास, उसके घर में लक्ष्मी सदा करे निवास। जय जय महालक्ष्मी पूरन की जो काम, देवी तेरे चरणों में लाख लाख प्रणाम। सभी लोगों की जननी मातेश्वरी, कमल सम है नेत्र माँ भुवनेश्वरी, श्री विष्णु के वक्षस्थल में विराजे, कमल दल से नेत्र कमल कर में साजे, कमल मुख कमल नाभि प्रिय नाम तेरा, सदा तेरे चरणों में प्रणाम मेरा। तु सिद्धि सुधा मेध श्रद्धा कहावे, तु स्वाहा त्रिलोकी पवित्र बनावे, प्रभा रात्रि संध्या है सब रूप तेरे, विभूति सुखों की भंडारे में तेरे, उपासना कर्म कांड और इंद्र जाला, शिल्प तर्क विद्या है तू ही कृपाला, तू ही सरस्वती हृदय में ज्ञान धरती, महालक्ष्मी धन से भंडार भरती, सभी पाते हैं सुख गुण तेरे गाकर, करूं वंदना मैं भी सिर को झुकाकर, व्यापक है संसार में घट घट तेरा वास, श्री विष्णु भगवान के रहो सदा ही पास, तुमने ही त्रैलोक को जीवन दान दिया है, महालक्ष्मी तुमने सबका कल्याण किया है, गृह धन धान्य संबंधी सारे पुत्र और नारी तेरी दया से जतलाते हैं सभी रिश्तेदारी, शत्रु पक्ष तेरी कृपा से मिट जाते हैं, जीव सभी लोगों के सुखों को पाते हैं, कोई रोग शरीर को आकर नहीं दबाता, तेरा नाम दरिद्र को सदा धनवान बनाता, मात लक्ष्मी भरो सदा मेरे भी भंडारे, घर में भोग सामग्री हो सुख भोगों में सारे, पत्नी पति मां पुत्र सभी खुशहाल बना दो, करम गति से आने वाले कष्ट मिटा दो,
वस्त्र आभूषण किसी चीज की कमी कोई ना रहे, किसी प्रकार की चिंता मन में लगी ना रहे, शुद्धिशील सच्चाई सब गुण तुम भर देती हो, माँ कृपा तुम अपनी जिस पर भी कर देती हो, दया से तेरे बिगड़े काम सुधर जाते हैं, कृपा से तेरी माँ सभी के भंडारे भर जाते हैं, देवी जिस पर तेरी दृष्टि पड़ जाती है निश्चय ही उसकी भी संपत्ति बढ़ जाती है, मान योग गुणी धन्य वही है बुद्धिमान, जिसने ये सत्रोत पढ़ किया तुम्हारा ध्यान, विष्णु प्रिय जग जननी माँ करूँ तुम्हारा ध्यान, माँ अब तुम मेरा भी सभी कार्यो लाख लाख प्रणाम, कमल नैन महालक्ष्मी दास पे रहो प्रसन्न, तेरी दया से बन सके जीवन मेरा धन्य, महालक्ष्मी स्तोत्र को पढ़े जो करके नेम, श्रद्धा और विश्वास हो मन में सच्चा प्रेम, मान रहते हो कर पड़े स्तोत्र यह शतवार, महालक्ष्मी उसके भर देगी भंडार, महालक्ष्मी की मूर्ति चौकी पर सजाए, मौन धार करे पड़े या स्तोत्र गाए, धूप सुगंधित लेकर घी की ज्योत जलाए, गंगा जल के साथ फिर तिलक व पुष्प चढ़ाए, शुद्ध भाव से सुंदर मौली की धार पहनाए, भोग लगा कर मेवे का फिर स्तोत्र गाए, रैन दिवस शतवार ही पाठ पढ़े निराहार, लोहे को सोना करे बरकत भरे अपार, 25 पाठ 25 दिने पढ़े बिना अन्न खाए, महालक्ष्मी उसके सभी बिगड़े भाग बनाए, एक पाठ नित्य पढ़े उठकर प्रातः काल, बरकत हाथ में आएगी जेब से हो मलमाल, दान पुण्य करता रहे जो भी विधि अनुसार, उसके घर से लक्ष्मी कभी न आए बाहर, भोजन दे किसी भी प्र को सात मास सकरात, दक्षिणा दे प्रसन्न कर रखे निज मन शांत, चोगा चिड़ी कबूतर को डाले हर बुधवार, सिमरे नाम नारायण का श्रद्धा प्रेम को धार, पाठ पश्चात गंगा जल को छिड़के कर ध्यान, ओम श्री शिवाय नमः जपे मंत्र करे कल्याण, इसी मंत्र की नित्य ही 11 माला कर ले, निंद्या स्तुति त्याग समय कुछ मौन भी धर ले, मनोकामना महालक्ष्मी करेगी अवश्य पूरी, कोई आशा फिर ना रहे उसकी अधूरी, सूत जी ने ऋषियों को यह सब समझाया, यही ऋषि पराशर ने मित्रों को बतलाया, यही विष्णु पुराण में वेद व्यास जी गाया, नारायण ने मंत्र ही भक्ति का सिखाया, महालक्ष्मी स्तोत्र यह लिखवाया हरिया, श्रद्धा प्रेम से जो करे इसका भी जाप, उस ग्रस्त के घर में सदा करे लक्ष्मी वास, पढ़े जो सत्रोत है निश्चिन कर विश्वास, कर्मों के अनुसार ही माना सब फल पाए, फिर भी तकदीरें बदल हरे कृपा से जाए, श्वास मिले अनमोल है हरि सुमिरन में लगाओ,
करो पाठ निश्चय ही मुँह मांगा फल पाओ। चिंता न कर कोई भी रखवाला भगवान, महालक्ष्मी स्तोत्र पढ़ कर कुछ हाथ से दान, कर कुछ हाथ से दान। ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।